हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एके इंडिया यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ एग्ज़ाम मैथ्स क्लास पार्ट वन की, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लगाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज से मैं जो आप लोगों के लिए आरपीएफ का क्लास जो स्टार्ट किया हूँ, आप ही लोग के रिकमेंडेशन से। सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम के बारे में आप सभी को बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में आप जान लीजिए। और जैसे ही इसकी जो पूरे नंबर सिस्टम के बारे में आप जान लोगे, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन भी इसका करवाऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की ओर कि आखिर महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले फ्रेंड, संख्या। आखिर संख्या कहते हैं किसे? किसी वस्तु या इकाई की गणना की सूचना को संख्या कहते हैं। जैसे 5 आदमी, 8 घोड़े इत्यादि, जो एक संख्या हो गए। उसके बाद आती है अंक, जिसे डिजिट कहा जाता है। हिंदी अरबी पद्धति के अनुसार अंक 10 होते हैं। कौन कौन? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इसमें 10 जो होते हैं वो नहीं होती है, क्योंकि जो डिजिट होते हैं 0 और 1 से मिलकर 10 बनते हैं। देखो, 1 से 9 तक विशिष्ट अंक कहा जाता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक का अपना मूल्य है। 0 को नग्न अंक कहा जाता है, जिसका अपना कोई मूल्य नहीं है। इसका मूल्य तभी है तब इसे किसी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखो बात आती है फ्रेंड न्यूमरल का। ठीक है, कि न्यूमरल क्या होता है? ठीक है, अंकों का समूह जो संख्या को निरूपित करता है न्यूमरल्स कहलाता है। संख्या का निरूपण से में दाएं से बाएं क्रमशः इकाई, जैसे आप कोई संख्या लिख देते हैं तो दाएं से बाएं की ओर उसे चलते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के स्थान लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, आपको और भी बहुत सारे अपने लाइफ स्टाइल में उसको देखने को मिल जाएगा, आप इसे यूज भी करते होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जातीय मान, कि आखिर फेस वैल्यू किसे कहते हैं, फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान यानी फेस वैल्यू, उस अंक का अपना इटसेल्फ होता है, यानी कि अपना अपना मान होता है, चाहे वो किसी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे एग्जाम्पल है 4, 3, 2, 1 में 2 का जातीय मान क्या होगा? तो 2 का 2 ही वैल्यू होगा, 2 चाहे कहीं भी हो। ठीक है, और 3 का पूछेगा तो उसका जो फेस वैल्यू होगा वो 3 ही होगा। 4 का पूछेगा तो 4 होगा, 1 का पूछेगा तो 1 होगा। जस्ट उसी के तरह एक और होता है स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान विशेष यथा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के आधार पर आधारित किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिया गया है 3, 2, 5, 3 में 5 का पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो 5 इकाई दहाई नंबर पे आती है, तो 5 दहाई स्थान पर है, अतः 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 10 यानी कि दहाई, और 5 यानी कि 50, यानी कि 5 जितने स्थान पर होंगे उतना उस पर एक 0 बैठा देंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स अगर बात करते हैं 3 की, अगर इस 3 की बात करते हैं तो 3 ही सिर्फ हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू, और स्थानीय जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों इसका 3 ही हो जाएगा। लेकिन अगर इस 3 की बात करते हैं तो इसकी जो फेस वैल्यू हो जाएगी ये तो 3 हो जाएगी, लेकिन अगर इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये कितना हो जाएगी? 3 है। इसके बाद कितने नंबर है? तो 3 नंबर है, यानी कि 3000 ये फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आती है फ्रेंड्स संख्याओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। कितने प्रकार के नंबर होते हैं? एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन पूर्ण संख्या है, कौन सम संख्या है, कौन विषम है, कौन अभाज्य। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तो अभाज्य संख्या से आती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या नहीं आती है। लेकिन हाँ, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या से क्वेश्चन आती है, जिसमें दिया जाता है कि 5 प्राकृतिक संख्या है, इनका सम क्या होगा, इस तरह से उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या आखिर होती क्या है, यानी कि नेचुरल नंबर। 1 से शुरू होने वाली सभी गणनीय संख्या, यानी कि काउंटिंग नंबर, जिसको 1 से गिना जा सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसे जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको यहाँ उदाहरण देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स पूर्ण संख्या, आखिर होल नंबर क्या होता है, यानी कि 0, 0 सहित सभी गणनीय संख्या काउंटिंग को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो पूर्ण संख्या है वो 0 से अगर आप स्टार्ट करते हो, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि संख्या के पहले, यानी कि प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा देते हो आप, तो वो संख्या क्या हो जाती है? आपकी होल नंबर बन जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड सम संख्या, कि आखिर इवन संख्या क्या होती है।
वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। देखो तो जो संख्या दो से विभाजित हो जाए यानी कि दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, बहुत ही सम संख्या आपको भी पता होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स विषम संख्या किसे कहते हैं, तो ऑड नंबर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वे संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, सत्रह, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके विषम संख्या हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स बात आती है अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। बहुत ही लोगों को दिक्कत होती है प्राइम नंबर के लिए कि प्राइम नंबर नंबर जो होती है आखिर किसे कहते हैं। जो संख्या एक तथा स्वयं इटसेल्फ से विभाजित होता है अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो वैसी संख्या जो कि एक से विभाज होगी और खुद से विभाजित होगी, ठीक है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो, तीन, पाँच, सात, ग्यारह, तो आप बोलोगे कि एक भी जो है खुद से डिवाइड होता है, ठीक है, और अपने आप से विभाजित होता है तो ये भी प्राइम नंबर होगा, लेकिन नहीं। देखो इसको एक तरह से आप और समझ सकते हो, अभाज्य संख्या को वैसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, तीसरा फैक्टर उसका नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे दो का फैक्टर दो वन ही हो सकता है, तीन का फैक्टर तीन एक ही हो सकता है, अब सात की बात कर लेते हो तो सात एक भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जहाँ तक अगर आपकी एक्सप्लेनेशन की बात है इसकी अभाज्य संख्या की, इससे मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप जान सकते हो कि जो अभाज्य नंबर होती है यानी प्राइम नंबर होती है, कम से कम मैक्सिमम उसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, तीसरा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। अगर एक की बात करें तो एक की फैक्टर क्या होगा, एक गुना एक, बिल्कुल नहीं, एक गुना एक लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिया जा रहा है कि 100 से 25, 100 से नीचे नंबर होते हैं, जैसे एक से लेकर अगर 100 तक आप लिखते हो, यानी ठीक है, इसके बीच में पूछा जाए कि अभाज्य नंबर कितने होते हैं, एग्जामिनेशन बहुत बार पूछे गया ऐसा क्वेश्चन कि टोटल अभाज्य नंबर 25 होते हैं। लेकिन बात करें फ्रेंड्स कि 50 तक यानी कि 0 से लेकर के 50 तक की बात करें तो उसमें फ्रेंड्स आपकी अभाज्य संख्या जो है 15 होती है। कितनी होती है, 100 से नीचे की संख्या में 25 अभाज्य संख्या होती है तथा 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं देखो 0 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपके 15 होते हैं। अगर 0 से 100 तक की बात करें तो उसमें कितनी होती है अभाज्य संख्या, 25, यानी कि 50 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी आपकी अभाज्य संख्या होगी, तो आपकी टोटल 10 अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्व अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, दो संख्याओं स्व अभाज्य कराती है उनकी मस यानी कि SCF एक हो, जैसे दो, तीन, चार, पाँच, आठ, ग्यारह, सात, नौ इत्यादि, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यौगिक संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, एक से बड़ी सभी संख्या जो प्राइम नंबर नहीं हो यौगिक संख्या कहलाते हैं। जैसे चार, छः, आठ, दस, बारह, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जैसे जिनके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम दो फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, या इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं प्राइम नंबर के लिए कि वे संख्या जो सिर्फ एक तथा स्वयं इटसेल्फ से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप एक्सेप्शन में एक को रख सकते हैं, ठीक है, थीके? तो उसी को फ्रेंड्स आप प्राइम नंबर समझ लो, अभी मैंने समझाया आपको, तो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे चार, छः, आठ, दस, बारह, देखो फ्रेंड्स यहाँ दे रहा ऑप्शन, एक न तो अभाज्य संख्या और न ही यौगिक संख्या है, एक ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स बात कर रहा है कि दो एकमात्र संख्या जो कि अभाज्य संख्या है, ठीक है, दो एकमात्र संख्या जो कि अभाज्य संख्या होता है। अब चलो फ्रेंड्स बात करते हैं परिमेय संख्या, आखिर रेशनल नंबर किसे कहा जाता है, वह संख्या जो a अपॉन b के रूप में हो, या आपने पढ़ा होगा कभी p, देखो p अपॉन q के फॉर्म में जो होता है और जो q इज इक्वल टू होता है नॉट जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो उसके रूप में जो रहे, तो यहाँ देखो फ्रेंड्स वही चीज़ दे रहा है कि जो a अपॉन b के रूप में हो और b जो है नीचे जीरो ना हो, तो वो a और b पूर्णांक हो, जैसे 2/3, 3/5, 4/1, 0/1, 3/4। देखो 0/1 जो है आपका परिमेय संख्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन अगर 1/0 की बात करें तो फ्रेंड्स होता है अनडिफिनिट, तो जिसका कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि एक आपका नीचे जो है जीरो कभी नहीं होना चाहिए। चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, वे संख्या जिनका कोई निश्चित मान उपलब्ध नहीं हो या जो परिमेय नहीं हो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे √3, √2, अवश्य जाने पाई जो है परिमेय संख्या नहीं होती, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। आपके हमेशा एग्जामिनेशन फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन बनते हैं कि जो पाई है वो परिमेय है अपरिमेय है,
इनमें से कोई नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप इतना को नोट डाउन कहीं कर लेना कि जो पाई होती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या कहलाती है, इसे आर से सूचित किया जाता है, यानी कि वास्तविक नंबर को फ्रेंड्स आर से सूचित किया जाता है। अब बात करें वास्तविक नंबर कौन कौन से होती है, तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ आप देख लो, अब पूर्णांक की बात कर रहा है कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, जीरो सहित सभी पॉजिटिव नेगेटिव गणनीय संख्या यानी कि काउंटिंग नंबर्स को पूर्णांक कहते हैं। जैसा -3 -2 जो कि माइनस में हो गए, आपकी जीरो भी हो गई, 1 2 3 वो आपकी कौन सी होगी, पूर्णांक हो गई। अब देखो फ्रेंड्स पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में फ्रेंड्स प्लस होती है, ऋणात्मक पूर्णांक में आपकी माइनस होती है और बीच में एक शून्य होती है, ठीक है। अब देखो अवश्य जाने जीरो जो है शून्य धनात्मक और ऋण धनात्मक दोनों होता है, ऋणात्मक दोनों होती है, ठीक है। जीरो जो है आपकी शून्य होती है जो कि पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव होती है। अगर मान लेते जीरो प्लस जीरो है या माइनस जीरो है, दोनों आपकी वो वैल्यू बराबर ही होगी, ठीक है, न कोई बड़ा है ना कोई ज़्यादा है। अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे विभाज्यता की जात यानी कि टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, और ये फ्रेंड्स आपकी नंबर सिस्टम की 3 से 4 क्लास चलेगी। और अगर आप आरपीएफ की तैयारी करते हो तो फटाफट नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा, ठीक है।